देखिए हमारे पास जनरेटर चल रहा है इसलिए आवाज थोड़ा स्लो सुनाई दे रही। आज हम इस मोटर का एम्पियर चेक करा करके और फुल कनेक्शन भी आपको हम दिखाएंगे, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग का टावर हमने मान लिया है और ये आपका क्लच वायर है। देखिए ये क्लच वायर है और रनिंग स्टार्टिंग का एक तार बच गया है। अब रनिंग स्टार्टिंग का एक तार बच गया है तो हमें कनेक्शन करने के लिए क्या करना है, यहाँ से रनिंग में सप्लाई जाएगी। देखिए यहाँ से हमारी सप्लाई आ गई कंडेंसर में और कंडेंसर से सप्लाई निकलेगी क्लच में आएगी। ये क्लच का वायर है, देखिए ये क्लच का वायर है और क्लच से सप्लाई निकलेगी हमारी यहाँ आ जाएगी। देखिए यहाँ आ गई, यहाँ आ जाएगी आपकी। देखिए क्लच से सप्लाई निकलेगी हमारी स्टार्टिंग में चली जाएगी, यानी ये सप्लाई यहाँ पे कंडेंसर से घूम के क्लच में जाएगी, क्लच से निकल के यहाँ आएगी। यहाँ यहाँ सप्लाई दे देंगे तो हमारा एम्पियर मीटर पढ़ने लगेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ और यहाँ सप्लाई हम दे देंगे, देखिए यहाँ और यहाँ सप्लाई देंगे हमारा मोटर चलने लगेगा। देखिए और एम्पियर मीटर पढ़ रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए